नमस्कार दोस्तों, क्या ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है? क्या कंपनी नुकसान में तो नहीं चल रही? क्या कंपनी के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या बेच देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें कंपनी के नीचे दिए गए 5 फैक्टर्स की जांच करनी होगी। नंबर 1, रिटर्न्स हिस्ट्री। नंबर 2, फाइनेंशियल रिपोर्ट। नंबर 3, एसेट्स रिपोर्ट। नंबर 4, डिविडेंड हिस्ट्री। नंबर 5, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगले 3 से 4 मिनट की इस वीडियो को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ध्यान से देखो, फिर आप खुद समझ सकेंगे कि कंपनी में कितनी मात्रा में और कितने समय के लिए शेयर को होल्ड करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।